जिस तरह आपने देखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुढ़ापे में बेटे के साथ आशीष किया, मैंने कहा कोई मायने नहीं करता आपकी प्रॉब्लम क्या है, कितने टाइम से, कितनी लंबी है, आपने ये विश्वास करना है। परमेश्वर आपको एक ही चीज कह रहा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ओके, देखेंगे हमने इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इनको क्या, कैसे 7 साल के बाद, कितने साल के बाद, ओके, एक बच्चे के बाद 7 साल के बाद बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस किया। पहले तारीफ करो परमेश्वर, जोर से जोर से जोर से जोर से। ओके, ये अभी हमारे पास गवाही आई है तो हम इसे सुनेंगे, पहले सब जोर से जोर से। यस, हाँ बताओ सिस्टर, कैसे ये गवाही आपके जीवन में बनी? पापा जी नू जय मसीह दी, मम्मा जी नू जय मसीह दी, सारी कलीसिया नू जय मसीह दी। मेरी गवाही ये है कि मैनू प्रभु ने 7 साल बाद बच्चे नाल ब्लेस किया। मैं जदों मेरा बड़ा बेटा होया सी उस तो बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। बेटा है कि बेटी है? हाँ जी बेटा है। बेटा है? हाँ जी। पहला बेटा कितने साल दा? पहला 7 साल 8 साल का। 8 साल दा बेटा है? हाँ जी। और होने नू 7 साल हो चुके हैं? हाँ जी। 7 साल बाद? हाँ जी। उठा नू ये सेकंड बेबी दे नाल प्रभु ने बेटे नाल ब्लेस किया। ओके, अब बताओ। यस, हाँ जी, जो मेरा पहला बेटा होया सी उस तो बाद मेनू गठिया दी प्रॉब्लम पै गई सी, तां मैं बहुत ज्यादा बीमार रहण लग पई सी। दवाइयां भी बहुत खादियां तां मैनू पर आराम नहीं आया। तो फिर जदों 7 साल बाद जदों असी 1 साल हो गए सानू प्रभु चाहे नू, तो जदों असी लॉकडाउन लगा सी तो साढ़े गुआंढी सानू कहिंदे हुंदे सी कि तुसी चर्च जाया करो, तुसी ठीक हो जाना। तो फिर असी चर्च ऑनलाइन देखना शुरू किया, चर्च ते अमृत संधू पास्टर जी दी मिनिस्ट्री दी असी देखना शुरू की। तो सानू जदों प्रभु दे दास ने 15 तरीक नू 11वें महीने 2020 नू घोषणा कीती कि बीमारियां छड़ के जा रही ते बच्चे दी आशीष मिल रही है। उसकी दया से आपके परिवार में हीलिंग होते हुए मैं आत्मा में देख रहा हूं, उसकी दया से आपको बच्चा मिलते हुए, उसकी दया से आपके परिवार में हीलिंग होते हुए मैं आत्मा में देख रहा हूं, उसकी दया से आपको बच्चा मिलते हुए जी, आज उसकी दया से होगा यीशु नाम में। तो मैं विश्वास नाल रिसीव कीता ते प्रभु ने मेनू बेटे नाल ब्लेस कीता। और ताड़ी गठिया दी बीमारी सीगी? ओ गठिया दी बीमारी भी मैं बिल्कुल ठीक आ। और गठिया दी बीमारी जा चुकी है? हां जी जा चुकी है। और उस तो बाद जदो किन्ने जरो एक सेकंड पहला तुसी यहां चर्च आंदे तुसी रिसीव करदे रहे बेबी, और जदो घोषणा हुई कि हां हुण तुसी चेक करना है, हुण तुसी प्रभु तुसी ब्लेस हो चुके, किन्ने दिन बाद तुसी टेस्ट कीता सी? मैं 2 दिन बाद चेक कीता ते मैं प्रेग्नेंट सी। अगर प्रभु इने घोषणा रिसीव करने के बाद 1 साल हुए इने चर्च आते हुए, और चर्च भी कब आना शुरू किया? लॉकडाउन में। आपको लगता है कि लॉकडाउन में लोग बचे नहीं? लॉकडाउन में बहुत सारे लोग सेव हुए 2020 में, और उसके बाद चर्च में ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया, घोषणा हुई, पर इनके ये गठिया था जिसके कारण ये प्रॉब्लम थी। और क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या इनकी गवाही मिली? मास्टर जी, इस सिस्टर दे जदों फर्स्ट बेबी होया उस तो बाद इन्होंने दस्या कि इन्होंने लगातार जॉइंट्स दे विच पेन होनी स्टार्ट हो गई, और बहुत सारी इन्होंने मेडिसन्स खादियाँ, डॉक्टर के कोल गए, डॉक्टर ने कहा थानू गठिए की प्रॉब्लम है। मतलब पास्टर जी इन्ने ज़्यादा ये परेशान से उस गठिए की प्रॉब्लम करके पूरी बॉडी के इन्हों के इन्ना दर्द हों कि घर का कोई काम भी नहीं कर पाते। इन्ह के मदर इन लॉ जोड़े थे उ घर का काम करते पास्टर जी, इन्ने ज़्यादा ये परेशान से। फिर पास्टर जी ये लगातार मतलब कि बच्चे लिए ट्राई कर रहे थे तो डॉक्टर के कोल गए, बहुत सारिया मेडिसन्स खादिया, इन्होंने बहुत सारे अन्निया जगहों पर भी गए पास्टर जी, बहुत सारे होर इन्होंने मतलब ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की, बट कोई भी इन्हों फर्क नहीं पिया। इस तरह पास्टर जी जो ये डॉक्टर के कोल गए, डॉक्टर ने कहा कि थोड़े बच्चेदानी के सोज आ और तुसी बेबी नू नहीं कंसीव कर सकते, लगातार मेडिसन खाओ पास्टर जी, बट कुछ भी इन्हों आराम नहीं पिया। लगातार 7 साल तो इस तरह प्रॉब्लम के विच, और इस तरह पास्टर जी फिर इन्हों किसी ने और चर्च बारे दसिया, इन्होंने लॉकडाउन के दिनों ऑनलाइन मीटिंग्स देखनिया स्टार्ट कीतियां क्योंकि चर्चेस बंद से, बट इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग देखनिया स्टार्ट कीतियां, और ऑनलाइन ही पास्टर जी थोड़िया घोषणावां रिसीव करते सी। जो भी तुसी कहिंदे सी कि परमेश्वर का आत्मा, एक दिन पास्टर जी 15/11/2020 कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा घोषणा की, तुसी कहा कि दया द्वारा परमेश्वर थोड़िया बीमारियों तो थानू छुटकारा देन जा रहा, और तुसी बच्चे की ब्लैसिंग अज रिसीव करन जा रहे पास्टर जी। उस दिन पास्टर जी 15 तरीक नू इन्होंने परफेटिक वर्ड रिसीव किया, और 17 तरीक नू
इन्होंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो 7 साल तो लगातार कर रहे थे और नैगेटिव आता सीगा इससे उम्मीद करके, बट जो 15 तरीक न घोषणा तो बाद 17 तरीक ने इन्होंने टेस्ट किया तो इन्हों का टेस्ट पॉजिटिव सी। पास्टर जी, जो प्रभु वचन देता है अपने दास के द्वारा, अगर आप बिलीव करो उस वचन के अनुसार करो। इन्होंने उस वचन को सुना और दोबारा टेस्ट किया प्रेगनेंसी, और दूसरे दिन ये प्रेग्नेंट थे और आज बेबी के साथ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस है। खड़े होकर तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप भले परमेश्वर है इसलिए आज मुझे भी आप चंगा करोगे, मुझे भी आप बेबी के साथ ब्लेस करोगे। विश्वास करो, मैंने कहा वो भला है। इस बच्चे को स्क्रीन पे देखेंगे हम, जब आप इस बेबी को देख रहे हो ऑनलाइन तो आप अपने बेबी को देखने जा रहे हो। जब मैं इस बेबी के लिए प्रेयर कर रहा हूं, पिता मैं आपका सेवक होने के नाते इस बच्चे को आशीष करता हूं, इस बच्चे को ब्लेस करता हूं, तेरी कृपा इस बच्चे पर हो, अनॉइंट करता हूं, तेरी लहू में कवर करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बच्चे के कारण आप आशीषित है, प्रभु बता रहा है। इस बच्चे के कारण आप आशीषित हो, आप आशीषित हो, आप ब्लेस होने वाले हो। जिस तरह ये बढ़ेगा आप ब्लेसिंग की ओर बढ़ोगे, आपके हाथ में आशीष है। इस सेम वर्ड्स के साथ मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा हिला रहा है। रिसीव करो यीशु के नाम में, रिसीव करो। आपके बच्चे जो इस भविष्यवाणी को रिसीव करने के बाद मिलेंगे वो आपके आशीष होंगे यीशु के नाम। मैं आपको ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, वो आपके लिए आशीष बनेंगे। मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। जिनके पास बेबी नहीं है पेट पर हाथ रखो और रिसीव करो, रिसीव करो। जिनके हस्बैंड में कमजोरी है, रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, शुक्राणुओं में कुछ भी है, वाइफ में, अपने पेट पर हाथ रखो, अपनी वाइफ के लिए रिसीव करो, अपने लिए रिसीव करो। मैं आपको ब्लेस करता हूं बेबी के साथ, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ग्रैंड करो, ग्रैंड करो, ग्रैंड करो, अपने पेट पर हाथ रखो। जिस पेट पर आपने हाथ रखा है मैं आत्मा में उस पेट को छूता हूं, गर्भ धारण कर, रिसीव कर प्रेगनेंसी को, फलवंत हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। मैं आपको ब्लेस करता हूं जिस तरह अब्राहम के पास दूत आए कि अगली बसंत ऋतु में जब मैं तेरे पास आऊंगा, इस नियुक्त समय पर तेरे पास एक बेटा होगा, तेरे पास एक आशीष होगी। मैं कहता हूं रीमो ना मांदा ना मांदो ना मांदा ना मस, ऋण देने में से ये तारीख दोबारा आपकी लाइफ में आने से पहले आप प्रेग्नेंट होंगे यीशु नाम में। ये तारीख और महीना, क्योंकि साल तो आगे बढ़ जाएगा, मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, ये तारीख और महीना दोबारा आने से पहले आप प्रेग्नेंट होंगे, आप प्रेग्नेंट होंगे, आपका बेबी आपके पेट में होगा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं, ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। इस आशीष को ले जाओ, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।